नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते हैं राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की प्रेस वार्ता जो मैंने बुलाया है, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर बाबा गोरखनाथ की पावन धरती से ये युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा प्रारंभ होगी, जो आजमगढ़ बनारस मार्ग से होते हुए जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर संपन्न होना है। कितनी संख्या होगी लगभग? संख्या का कोई बहुत उद्देश्य नहीं है, नौजवानों को जागरूक करने के लिए, नौजवानों को एक मंच पर लाने के लिए ये कोशिश है, और संख्या पर बहुत विशेष ध्यान देने की हमने पहल नहीं करी है, फिर भी 100 के आसपास की संख्या हो सकती है। कैसे आएंगे, वाहन से या पैदल से, कैसी यात्रा? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जहाँ पर पब्लिक होंगे, जहाँ पर लोग होंगे, नौजवान होंगे, क्षेत्र के लोग मिलेंगे अपनी बात पहुँचाने के लिए, वहाँ तो मैं पैदल चलूँगा। बाकी जो एक्सप्रेस वे हैं उस पर निजी वाहन का प्रयोग किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, संगठन के कुछ पदाधिकारी रहेंगे, बाकी पदाधिकारी को जिले में रहेंगे, जिले में जाऊंगा। एक मैसेज देने की कोशिश है, जिस तरीके से आज वर्तमान की राजनीति जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर बटी हुई है, देश का नौजवान इन राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसा हुआ है, अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहा है, जिसकी स्थिति यह है कि बेरोजगारी चरम पर है, 65 से 70% आबादी वाला नौजवान, आज तक उसके लिए कोई नीति नहीं बनी, कोई उसका आयोग नहीं बना, ये दुर्भाग्य का विषय है। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर के नौजवानों के बीच में जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा, और ये कोशिश करूंगा कि 65 से 70% नौजवानों को एक मंच पर ला करके राजनीतिक दलों को ये संदेश देने की कोशिश किया जाए कि आने वाला समय जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से नहीं, जनता नौजवानों की बुनियादी समस्याओं से चलेगा। धन्यवाद।